everyone and welcome to a hashtag Haley Halls after months and months and months. And I know what you're thinking ki aise mein kahan kapde order kiye, ye maine December ya Jan mein order kiye the, but I just never filmed this video. And since I ordered them such a long time ago, I don't remember even the tiniest bit of what I've ordered. तो मुझे ना एक game type खेलना है video में कि सामान देखना है और guess करना है कि कितने का होगा and then we can check the actual price. So let's begin. See how many packages I have. इतने सारे packages और मैंने खोले नहीं. So ये video है I try the cheapest things in each category on Myntra. Start करते हैं. Oh, this is not bad. Like नीचे इलास्टिक है, क्रॉप्ड लग रहा है, डिजाइन इज क्वाइट फैंसी यार. आई थिंक ये जैकेट आफ्टर व्हाटएवर डिस्काउंट 400 या 450 रुपए की होगी. व्हाट डू यू थिंक? 344 रुपीस की पड़ी थी ये जैकेट. गुड डील. इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी सॉफ्ट मटेरियल. ओके, सेकंड आइटम. ये ना मुझे सनग्लासेस ही लग रहा है, बिकॉज यूजुअली मिंत्रा के सनग्लासेस ऐसे ही बॉक्स में आते हैं. ओह वेट, दिस इज नॉट सनग्लासेस, इट्स सम ज्वेलरी. यार MRP 199 देख लिया मैंने. ओह, सो हाथ में लेने से इट फील्स थोड़ा ओके क्वालिटी, बट प्राइस देखते हैं, बिकॉज इफ इट इज सुपर चीप, आई एम गेसिंग सिंस इसका MRP 200 रुपए था, इसका आफ्टर सेल प्राइस मस्ट बी अराउंड 70-90 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए. ठीक है, वो 10 का दम शो नहीं आता था कि अपने को रेंज लगाना रहता है ना उसके बीच में. आई फील लाइक दैट राइट नाउ. 139 रुपीज़, नो वे. आई वुड गिव दिस 2.5 out of 5. ओके, बड़ा वाला खोलते हैं अभी. आई डिडंट रिमेम्बर कि बैग भी मंगाया था. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ओ, ये तो जिम टाइप बैग लग रहा है. क्या जले पे नमक छिड़कने वाला सिचुएशन है यार. इट्स अ मीडियम साइज, इट्स नॉट वेरी बिग. अदर जिम टाइप डफल बैग्स जो मेरे पास है वो बड़े हैं इससे, बट ये एकदम भी छोटा नहीं है. बिकॉज मैंने देखा है वो प्रोटीन के डब्बों के साथ जो फ्री बैग आती है ना, वो तो एकदम ही छोटे होते हैं काफ़ी बार, तो उतना भी नहीं है. और इसके आगे थोड़ा सा फोर लेदर वाला फिनिशिंग तो है. जिप क्वालिटी स्मूथ एंड अंदर से लाइनिंग भी काफ़ी अच्छी. सो क्वालिटी वाइज This gets a 5 out of 5. I think ये after discount 300 रुपए के आसपास पड़ा रहे. 369, not bad. I will take that as a win. This bag I will give a 5 out of 5 for 369 rupees. It is good because जो मेरे local market में bags मिलते हैं ना, Abibas के और Nike के duplicate वाले, even they quote आजकल, I mean आजकल as in the last time I went, 700-800 रुपए तो quote कर ही देते थे. और क्या है? ऐसी बैग में पहली बार आ रहा है ना कुछ. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ओ, ये एक टॉप लग रहा है, साइज मीडियम है. ओके, आई थिंक ये टॉप की MRP रहेगी 1000 रुपीज एंड आफ्टर सेल दिस मस्ट बी फॉर 300. आई गेस 300. पहनने से काफ़ी कंफर्टेबल, अभी तक मैंने धोया भी नहीं है एंड इट ऑलरेडी फील्स वेरी सॉफ्ट. क्योंकि नए कपड़ों के साथ ऐसा नहीं होता कि आफ्टर यू वॉश देम दे एक्चुअली गेट सॉफ्टर, but this is already feeling great material. Let us check. MRP was 599 and after sale it was for 179. This beats Colaba and Bandra ka pricing, because the last time I went to street shopping markets tabhi aisa 180 rupees ka to top mil hi nahi raha tha. 200-250 rupees was the starting range. So yaar ye to bahut sahi item hai. It's perfume. बड़े सही कैटेगरीज कवर किया यार ये टाइम. एनवी का परफ्यूम है, कांच का बॉटल है ब्रो, 30 ml नेचुरल स्प्रे, पर इतना ही लिखा है लेकिन इस पे कुछ फ्रेग्रेंस वेग्रेंस लिखा नहीं है. यार तीनों बार अलग स्मेल आई. पहले मुझे एकदम फ्रेश वाला स्मेल आया, वो महंगे वाले परफ्यूम्स का नहीं आता कि सटल थोड़ा सा फ्रेशनेस पहले वैसा आया, फिर एकदम सर्फेक्सल जैसा स्मेल आया, तो आई वेंट लाइक अरे ये क्या हो रहा है. एंड थर्ड दोनों का मिक्स वाला स्मेल आ रहा है, थोड़ा साबुन जैसा और थोड़ा फ्रेशनेस जैसा. एकदम ही स्वीट नहीं है, एकदम ही फ्रूटी नहीं है,
थोड़ा फ्रेश वाला स्मेल है, तो फ्रेश वाली स्मेल्स ना अफोर्डेबल परफ्यूम में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो आई एम गोना गेस इसका MRP टू बी 500 एंड आफ्टर सेल 200, ऐसा मुझे लग रहा है. वॉट, आई कांट बिलीव माई आईज, यू हैव टू सी वॉट आई एम सीइंग राइट नाउ. MRP is 145 rupees. यार sale price क्या होगा? 50 रुपए. Sale price is 130 rupees. ठीक है, मतलब इतना discount पे नहीं था, but I can understand कि इस पे discount क्यों नहीं है. 130 rupees and quantity तो देखो. सही है यार. I hope this is still in stock. So please do remember कि ये सारा सामान almost 6 महीने पुराना है. तो there's a high chance कि या तो ये exact चीजें out of stock होंगी, या तो उनके prices बढ़ गए होंगे because अब sale नहीं है. तो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू सी कि सबसे सस्ते में सस्ता चीज़ कितने का है एंड इसका क्वालिटी कैसा है. तो आई विल लिंक अ फ्यू अदर चीप थिंग्स जो करंटली काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप वो चेकआउट करना. बट आई रियली होप ये परफ्यूम हो यार, बिकॉज ये परफ्यूम बहुत मस्त है. ओके, टाइम फॉर द नेक्स्ट वन. आई रिमेंबर आई हैव मेड दिस आई एम हनुमान वाला स्टेटमेंट. आई सी डेनिम कलर तो देखो डेनिम का. व्हेनेवर आई सी अदर पीपल डूइंग फैशन हॉल्स एंड समवन सेज मेरे पास ये कलर नहीं है, मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ कि यार नो वन कैन हैव ऑल द कलर्स. तो मुझे भी ऐसे बोलने का मन किया कि अरे यार ये कलर तो मेरे पास नहीं है लगता है, बट मैं नहीं बोलूंगी वो. बट आई रियली लाइक दिस शेड ऑफ डेनिम, काफ़ी लाइट है. ब्रांड इज जिंजर. जिंजर आई थिंक लाइफ स्टाइल का ब्रांड है एंड वो थोड़ा ऐसा एकदम ही सस्ता भी नहीं होता बट एकदम महंगा भी नहीं होता. क्वालिटी लुक्स गुड. स्ट्रेच तो देखो. पहन क्या हो गया, मैं पहन क्या यार. फिटिंग देखो, वेस्ट में से हल्का सा लूज है. इतनी परफेक्ट डेनिम तो शोरूम में जाके भी नहीं मिलती है. 2-2-2 इम्प्रेस्ड. इसका आई एम गोना गेस आफ्टर सेल कुछ 500 से 700 रुपए के बीच की होगी. 454 रुपीज. दिस इज द बेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल डेनिम इन माई वॉर्ड्रोब. इतनी अच्छी फिटिंग की डेनिम 500 रुपए से कम में मैंने कभी नहीं देखी. इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि अभी भी मैं पहन के ऐसा पार्टी मार के बैठी हूँ फिर भी आई डोंट फील अनकम्फर्टेबल. और बैठ के अपना पेट बाहर नहीं गिर जाता तो वो भी तकलीफ नहीं हो रही इसमें, फिर भी कंफर्टेबल है. एक है कि पीछे से एक बहुत नीचे आ गया ये डेनिम, लाइक बहुत नीचे. तो आपको इसके ऊपर लॉन्ग टॉप या कुर्ती ही पहनना होगा. बट आई डोंट नो, आई जस्ट रियली रियली लाइक इट यार. अभी नेक्स्ट दो ही बचे हैं, तो सबसे बड़ा वाला मुझे लास्ट के लिए रखना है. तो ये वाला खोलते हैं. ओह, याद है ज़िवामे के वीडियो में आई हैड बॉट एन अंडरस्कर्ट, मतलब एक ब्लैक कलर का स्कर्ट जैसा था बट वो डायरेक्टली बाहर नहीं पहन सकती. वो मैंने इसी स्कर्ट के नीचे पहनने के लिए मंगाया था. मैंने देखा है काफी ब्लॉगर्स लाइक कृतिका खुराना को डेनिम के ऊपर पहनते हुए, तो मैं डेनिम के ऊपर पहन के देखती हूँ पहले, क्योंकि वो ज़िवामे वाला मैंने कहाँ रखा भी मालूम नहीं. क्वारंटाइन में मैंने बिल्कुल क्लीनिंग नहीं की है, तो मुझे अभी शायद तुरंत ना मिले, तो मैं डेनिम के ऊपर पहन के देखती हूँ. ऐसा दिख रहा है. I don't think that I can be as cool as Kritika and all our other amazing bloggers. मुझे denim के ऊपर ये उतना suitable नहीं लग रहा currently. And because it is such a fashionable and trendy thing, मुझे लगता है इसका price होगा. Let's check. Okay. Price bang on. 299. मतलब 300 रुपया, 1 रुपया चलता है. This skirt gets a 5 out of 5 because ये बहुत अच्छी quality लग रहा है. वैसा mesh या net नहीं लग रहा जो जरा सा कहीं अटक जाए फट जाएगा. काफ़ी अच्छी क्वालिटी, थोड़ा सा स्ट्रेच है इसमें, दैट्स आई फील कि ये टिकेगा. तो 5 out of 5 ये स्कर्ट के. मुझे लगता है सिर्फ एक ड्रेस नहीं आया है पूरे वीडियो में अभी तक, तो आई थिंक ये ड्रेस होगा. हाँ, आए कितना क्यूट है, कितना ज़्यादा क्यूट है. अब ये ट्रायल करना होगा, इसी के ऊपर कर लो क्या, पूरा कर लेती हूँ. तो इसका लेंथ यहाँ तक आता है, जो एक्चुअली बहुत शॉर्ट है. मेरा हाइट 5.5 है, तो अगर मुझे यहाँ तक आ रहा है तो मुझसे लंबे लोगों को तो ये नहीं, एकदम लॉन्ग टी शर्ट टाइप ही आएगा. काफ़ी अच्छे से बैठ रहा है. तो पर्सनली मुझे ये कम्फर्टेबल मटेरियल बहुत पसंद आया. आई थिंक इसका प्राइस होगा 600 से 800 रुपए के बीच एंड आफ्टर सेल ये होगा 200 से 400 रुपए के बीच. योर गर्ल इज़
बेस्ट एट गेसिंग प्राइसेस. इसका MRP था 600 रुपये एंड इसका आफ्टर सेल प्राइस था 300 रुपये. अगर आपकी हाइट मुझसे छोटी है तो आपको ये शायद बहुत अच्छे से आएगा, अगर मेरे से बड़ी है तो ये आपको ड्रेस के तौर पर नहीं आएगा. बट आई गिव दिस ड्रेस 4.5 out of 5, आधा मार्क्स सिर्फ लेंथ के लिए काट रही हूँ, वरना ये बहुत अच्छा पीस है यार. नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट बैग, जूते. वॉकवे टैन सैंडल्स. हेलो, ऑल्दो समर्स अभी ऑलमोस्ट चले गए बट मॉनसून्स के लिए ये अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज इसका जो सोल है ना रबर वाला सोल लग रहा है, तो मॉनसून्स में तो रबर ही अच्छा होता है ना, बिकॉज ये जल्दी से सूख जाता है और एब्जॉर्ब नहीं करता. एंड बिकॉज मैंने सबसे सस्ती वाली चीज़ें मंगा ली, ये रियल लेदर तो नहीं होगा तो ये फंगस भी नहीं चढ़नी चाहिए. वाओ, ये ना टच करने से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है यार, अभी तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है. आई थिंक ऑनेस्टली एक शू का कंफर्ट को 2 घंटे पहन के चलने के बाद ही मालूम पड़ता है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में तो अच्छे लग रहे हैं. एंड ये जो ब्राउन कलर है ना, सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा. इनफैक्ट ये ड्रेस के साथ भी बहुत क्यूट लग रहा था. तो आई एम गोइंग टू गेस कि इसका MRP होगा 1000 से 1200 के बीच एंड आफ्टर सेल प्राइस होगा 300 से 500 के बीच. आई फील लाइक दैट बिकॉज इट्स द चीपेस्ट वाला ना. Did you see? MRP ही 299 है यार. ये ब्रांड का मैं लिंक कर रही हूँ नीचे. अगर इसका MRP ही 299 है, किसको सेल की जरूरत है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कम्फर्ट मुझे तो लग रहा है. ये ब्रांड के साथ काम करने मिल जाए, बिकॉज आई लव डूइंग ब्रांड डील्स विद ब्रांड जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और बहुत अफोर्डेबल हो. दिस गेट 6 out of 5 stars. What a way to end this video. What a way. So this was me trying the cheapest, ultra cheapest things on Myntra. मैं ये सारे चीजें तो लिंक कर ही दूंगी, बट अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो इसके बदले में और कुछ ऑप्शंस रेकमेंड कर दूंगी जो सस्ते है और सेम ब्रांड्स है, ताकि क्वालिटी का हमें ऑलरेडी मालूम पड़ गया है. बट ओवरऑल मेरा ये ओपिनियन निकला है ये वीडियो से कि इवन तो ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी, क्वालिटी में कहीं भी मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट द इयररिंग्स. बट यार ज्वेलरी इज वेरी ट्रिकी. तो उसके अलावा आई एक्चुअली लव्ड एवरी सिंगल थिंग. जैकेट ले लो, टॉप ले लो, जीन्स ले लो, बैग ले लो, ड्रेस, फुटवेयर, एवरी सिंगल थिंग एंड परफ्यूम. तो अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई वेबसाइट ट्राई करूँ तो कमेंट सेक्शन में वो ब्रांड का या वेबसाइट का नाम जरूर बताना. प्लीज डू रिमेम्बर कि अभी भी सबका बाहर जाना सेफ नहीं है, तो लॉकडाउन के दौरान सिर्फ वही चीज मंगाए जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो. ये वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पज में लीजिए और अगर आपको कुछ चीज पसंद आती है तो कार्ट में रखिए, बट चेकआउट अभी मत करिए, बिकॉज अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप डिलीवरी पर्सन की जान खतरे में डाल रहे हो. तो अगर वो एकदम एसेंशियल नहीं है तो अभी मत मंगाओ, कार्ट में रेडी रखो और जैसे ही सेफ हो बाहर जाना तभी ही मंगाना, बिकॉज हम अपने कंफर्ट में घर में बैठे हैं तो किसी और की जान खतरे में डालना तो सही नहीं है. अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना, अगर मज़ा नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, बिकॉज मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए. सब्सक्राइब करना ये चैनल को फॉर बहुत सारे फन वीडियोज एंड आई विल सी यू इन अ न्यू वन वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय. कैची लेके बैठती तो काफ़ी ईजी पड़ता, बट चलो कोई नहीं. एकदम ही ऐसा क्रिसमस वाला फीलिंग आ रहा है कि ओहो इतने सारे गिफ्ट्स खोलने मिल रहे हैं, बिकॉज याद ही नहीं अंदर से क्या निकलने वाला है. सेंट विथ लव.